हाई स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इंटरपर्सनल बैरियर्स परस्पर अवरोध हैं यानी टू और मोर मोर पीपुल दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो परस्पर जो संचार में बाधा उत्पन्न होती है उसको इंटरपर्सनल बैरियर बोलते हैं बैरियर्स ड्यू टू इनप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन ऑफ वर्ड्स बिटवीन टू और मोर पीपुल आर कार्ड इंटरपर्सनल बैरियर्स जिसका अपन, अभी हमने परिभाषा बताया ना दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो परस्पर शब्दों के जो प्रवाह है उसमें कुछ कमी आती है तो जो अवरोध होता है जो बाधा आती है उसको बोलते हैं ये बैरियर्स कई तरह के हैं जैसे लिमिटेड वो बोल रही है सीमित शब्दावली कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी संचार की चरणात्मकता कल्चरल वेरिएशन सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं इनकन्गिटी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल यानी वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन आपने पढ़ा है उसमें असंगति होती है कोई अयोग्यता है और इमोशनल आउटबर्स्ट भावनात्मक जो अचानक से आउटबर्स्ट होते हैं विस्फोट हो जाते हैं आदमी भावुक हो जाता है उसके कारण या पुअर लिसने की स्किल यानी जो श्रवण शक्ति है जो श्रवण कौशल है रिसीवर का अगर वो सही नहीं है तो उसके कारण जो है इंटरपर्सनल बैरियर होता है अब इसको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे पहला है आपका लिमिटेड वोकाबुलरी यानी सीमित शब्दावली यानी शब्दावली जो है आपके पास जो अगर वर्ड्स नहीं हैं तो आप जो है किसी बात को आप बोल नहीं पाएंगे जैसे दे रहा है इंडिकेट वोकाबुलरी इज द मेजर हिंड्रेंस इन कम्युनिकेशन बोथ इन ओरल और रिटर्न यानी अपर्याप्त शब्द अब शब्दावली अगर आपके पास शब्द पर्याप्त रूप से नहीं है तो वो संचार के चाहे ओरल कर रहे हों चाहे रिटर्न कर रहे हों दोनों में बाधक सिद्ध हो सकता है ड्यूरिंग द स्पीच और एट राइटिंग यानी बोलने के समय अथवा तो लिखने के समय इफ़ वी आर टंग फंबल्स यदि हमारे जो जीवा है वो अगर लड़खड़ाती है एंड पेन फॉल्टर्स यानी लिखते समय अगर कलम लड़खड़ाती है ड्यू टू लॉस ऑफ प्रॉपर वर्ड्स यानी शब्दों की उचित शब्दों की कमी के कारण ये होता है द कन्टेटिव और डिनोटेटिव मीनिंग कॉनोटेटिव मतलब गुणार्थक डिनोटेटिव देन, मतलब बाधक सूचक यानी इसके कारण क्या होता है हमारा जो है संचार में बाधा उत्पन्न होता है जैसे आप परीक्षा में एग्जाम दे रहे होते हैं पढ़ के तो जाते हैं घर से लगता है कि आपने तैयार किया लेकिन एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि आपके माइंड में बातें नहीं रह जाती हैं तो उसको जब नहीं रहती हैं तो आपके पेन रुक जाता है आप लिखते नहीं हैं लिख नहीं पाते हैं तो वो बाधा उत्पन्न होती है इट विल डिस्टोर द मैसेज कम्प्लीटली और ये क्या करता है जो आपका संदेश होता है यानी जो आप अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर लिखते हैं आंसर लिख रहे होते हैं तो उसको क्या करते हैं तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं यानी जो एक्चुअल जो उत्तर होता है उसको आप नहीं लिख पाते हैं क्योंकि आपके पास शब्दों की कमी हो जाती है इसको अगर दूर करना है तो क्या करेंगे इफ़ आर यू आर एनी प्रोफेशन देन यू मस्ट नो द टर्म्स एंड वकॉबली रिक्वायर्ड बाई योर प्रोफेशन यदि आप किसी पैसे में हैं प्रोफेशन हैं प्रोफेशनल हैं तो आपको तो जो टर्म्स हैं जो नियम कानून हैं उसके हिसाब से आपको अपने पैसे के अनुसार जो है आपको सेट करना पड़ेगा स्पीकर मस्ट नॉट यूज हाई फाई वो वो यानी आपको अगर स्पीकर हैं वक्ता हैं तो बहुत बड़े बड़े शब्द शब्दों का शब्दावलियों का यूज नहीं करना चाहिए ओनली टू शो हिज इंटेलिजेंस क्योंकि ऐसा लोग करते हैं अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान दिखाने के लिए बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ करते हैं स्पीकर मस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट हिज इन्फॉर्मेशन इन अ सिंपलर वे रादर देन कन्फ्यूजिंग रिसीवर बाय यूजिंग टफ वैकबरी यानी उसको जो है सामने वाले के साथ साधारण शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए बात करना चाहिए न कि जो रिसीवर है उसको बड़े बड़े वर्ड्स बोल के उसको कन्फ्यूज कर देना चाहिए भ्रम में डाल देना चाहिए विच इज़ अन नोन ऑफ टफ़ टू कॉमन पीपुल यानी यदि आप बड़े बड़े शब्द का यूज करते हैं और साधारण लोगों से बात कर रहे हैं तो वो शायद आपकी बात नहीं समझ पाएगा संचार आप उन, उन लोगों से नहीं कर पाएंगे यानी ऐसे लोग हैं जो आपकी बात समझ सकते हैं बड़े बड़े वर्ड्स आपके समझ सकते हैं तो उनसे बात करें तो ठीक है लेकिन ऐसे कॉमन पीपल के बीच में गए जो आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है आप संचार आपका नहीं संभव है कम्युनिकेशन सेनेक्टिविटी यानी संचार की चयनात्मकता चयन जो आप कर रहे हैं संचार के लिए तो वेन अ रिसीवर ऑफ द मैसेज पे attention ओनली टू अ पार्ट ऑफ द दे मैसेज देन द बैरियर इज नोन एज कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी यदि आप कोई कम्युनिकेशन कहीं कर रहे हैं और सामने वाला आपकी बात को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा है कुछ ही भाग वो समझ रहा है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी होता है या सेंडर इज नॉट एट फॉल्ट यहाँ सेंडर की गलती नहीं होती है बट द रिसीवर फॉल्ट ऑफ चॉइस ब्रेक लेकिन जो रिसीवर होता है उसकी फाल्ट हो जाती है क्योंकि जो उसकी च्वाइस होती है उसमें ब्रेक होता है एंड जो उसकी चुनाव होता है जो इच्छा होती है उसमें ब्रेक आ जाता है क्योंकि द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बोथ इन रिटर्न एंड औरल और फॉर्म्स क्योंकि यदि रिटर्न में है अथवा ओरल फॉर्म दोनों रूप में अगर आप संचार कर रहे हैं तो रिसीवर को अगर कुछ ही भाग समझ में आ रहा है तो उसमें जैसे आप इंग्लिश में बहुत सारे लोग कहते हैं इंग्लिश नहीं आती नहीं आती इंग्लिश में कोई चीज़ लिख के आता है तो आप कुछ वर्ड्स को समझ के जो है कुछ का श, मतलब थोड़ा मोड़ा अर्थ बता देते हैं यानी कि पूरी बात आप सम नहीं समझ पाते हैं और सामने वाला जो है बड़े बड़े वर्ड्स डाल के आपको लिख के दे, दे देता है या बोल देता है तो उस वहाँ भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे क्या है रिसीवर मस्ट नॉट कन्फाइन हिमसेल्फ टू अ पर्टिकुलर पॉइंट यानी जो रिसीवर होता है उसको क्या करना चाहिए आ, सीमित जो स्वयं को जो है सीमित बिंदुओं के ऊपर जो है आ, उसे आ, नहीं रहना चाहिए उसे अपने आप को इसे योग्य बनाना चाहिए कि यदि कभी ऐसा मौका आ जाए तो सामने वाले की बात को समझ सके ही मस्ट गो थ्रू द होल डॉक्यूमेंट यानी एक आध लाइन दो लाइन पढ़ के आपको नहीं निर्णय कर लेना चाहिए कि ये चीज़ इसमें लिखा है आप पहले पूरा डॉक्यूमेंट पढ़िए समटाइम रिसीवर स्टक इन मैसेज ही इज अन टू द डिमांड इंफॉर्मेशन एज नोटेड अ सेलेक्टेड पोर्सन ऑफ़ द होल इन्फॉर्मेशन यानी हो सकता है एक आध लाइन पढ़ के आप कहें कि हाँ हाँ इस चीज़ के बारे में है चीज ये बताया जा रहा है और जो पूरी चीज़ें वो नहीं समझ में आप, आपको आ पाती हैं तो इसलिए आपको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना चाहिए पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद ही आपको निर्णय लेना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है कल्चरल वेरिएशन सांस्कृतिक विविधताएं तो डे बाय डे बिजनेस आर इंक्रीजिंग ग्लोबली यानी दिन प्रतिदिन जो व्यापार हैं चारों ओर के पूरे विश्व के जो व्यापार हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं द आउटलुक ऑफ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक वर्क फोर्स एज चेंज ड्रेस्टिकली और ग्लोबल और जो घरेलू जो वर्क फोर्स है जो कार्यभार है वो क्या हो रहा है वो भी बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है परिवर्तित हो रहा है दस टू कम्प्लीट सक्सेसफुली इस प्रकार जो अगर आप इसको पूर्ण रूप से इसको सफल बनाना चाहते हैं इन टूडेज ग्लोबलाइज बिजनेस इन्वायरमेंट यानी इस समय के ग्लोबलाइज जो व्यापार का वातावरण है उसके बीच में तो वी हैव टू ओवरकम द कम्युनिकेशन एडिक्वेसी ड्यू टू डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स इसलिए हमको जो संचार है जो संचार की पर्याप्तता है उसको जो है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संस्कृति के अनुसार करना पड़ रहा है यानी आप अगर अपने गृहनगर में या अपने घरेलू क्षेत्र में करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे तो आप कर लेते हैं लेकिन अगर उसको अलग प्रदेशों में जाना है विदेशों में जाके उसका व्यापार करना है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी तो ये कल्चर वेरिएशन है सांस्कृतिक विविधताओं का सामना करना पड़ता है तो इसको अगर दूर करना है तो हमको जो है जानना चाहिए कि अबाउट द कल्चर ऑफ द प्लेस यानी जहाँ भी हम जा रहे हैं वो उस स्थान का संस्कृति क्या है वेयर वी आर गोइंग टू आवर जॉब जहाँ पर हम अपना काम करने जाएँ व्यापार करने जाएँ कोई कार्य करने जा रहे हैं जैसे आपको जॉब मिलती है और कहीं आप अन्य प्रदेश में यूपी के हैं तो आपको एमपी में जाना पड़ जाए राजस्थान में जाना पड़ जाए अगर वहाँ जाते हैं तो पहले वहाँ के रहन सहन जो वहाँ की संस्कृति है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा कल्चरल वेरिएशन इन अ बिग प्रॉब्लम नाउ वट इज इन द एयर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइ ग्लोबलाइजेशन के समय में कल्चरल वेरिएशन जो है बहुत बड़ी समस्या मानी जा रही है और होमवर्क ऑन द कल्चर ऑफ द डेस्टिनेशन मस्ट बी डन बिफोर रीचिंग देयर यानी कहीं जाने के पहले आप पहले वहाँ का जो कल्चरल जो स्टेज है जो संस्कृति की जो स्टेटस है उसको पहले पता लगाइए तब वहाँ पे आप जाइए अगर उसके बाद जाते हैं तो ये जो बाधा है संचार में आने वाली है वो नहीं आएगी इनकनग्रिटी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल इनकनग्रुटी जो वर्ड है इनकनग्रुटी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल का मतलब क्या है यानी वर्बल और नॉन वर्बल के जो असंगति है जो अयोग्यता है इसको अगर समझे तो इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्हेंसेज द इम्पैक्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन बट टाइम it is found that the non verbal communication is giving a wrong interpretation and making the receiver puzzled. if the non verbal cues are misinterpreted the message is distorted for example and kar raha hai ki verbal aur non verbal jo aap karya kar rahe hote hain to verbal jo communication ho raha hota hai उसमें जो है नॉन वर्बल चीज़ें जो हो रही होती हैं तो इससे लगता है कि आप वर्बल तो करना चाह रहे हैं लेकिन लेकिन संकेत है जो इशारे वो जो शो कर रहा है वो लग रहा है कि आप ज़बरदस्ती कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं उदाहरण के तौर पर कह रहा है कि यदि आप कहीं जा रहे होते हैं कोई कार्य करने के लिए कोई जरूरी कार्य करने जा रहे हैं अचानक से कोई गेस्ट आपके घर आ जा रहा है और आप जो है उसके साथ समय नहीं देना चाह रहे हैं सोच है? रहे हैं कि हम उसके साथ समय नहीं लेकिन ऐसे ही स्थिति है कि आपको उसके साथ रहना जरूरी है हो सकता है गेस्ट गेस्ट आपका आपसे नाराज हो सकता है तो इसलिए आप तो रुक जाते हैं थोड़ा समय दे रहे होते हैं लेकिन उस दौरान जो है जो गेस्ट आपका है वो हो सकता है कि आपके हाव भाव देख के यानी आपका चेहरा उतर जाएगा यानी अगर वो उसका सेवा सत्कार कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें लगेगा कि आप अर्जेंसी दिखा रहे हैं आप कुछ तो उससे भी क्या होता है वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है उन दोनों के बीच में आ, कुछ असंगति आ जाती है तो ये भी आ, बाधा उत्पन्न होती है इस बाधा को अगर दूर करना है तो द ओनली गेट वे ऑफ दिस बैरियर टू कंट्रोल द बॉडी लैंग्वेज यानी इसमें अगर आपको कंट्रोल करना नियंत्रित कर रहा है इस बाधा को तो आप क्या करेंगे आपको आपकी जो शारीरिक परिभाषा है उसी को थोड़ा सा कंट्रोल कर करके रखना पड़ेगा यानी आपको जाना है तो ठीक है लेकिन आप ऐसे मैनर ऐसे मत दिखाइए कि आपको आ, ज़बरदस्ती मतलब कोई कार्य कर रहे हैं उसके साथ जो बातचीत कर रहे हैं उसमें आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आपको बॉडी लैंग्वेज पर कंट्रोल करना पड़ेगा ये बो बहुत डिफिकल्ट होता है वेरी मच डिफ़िकल्ट बट इन अ प्रोफेशनल लाइफ इट इज़ मैं मैंडाटरी दैट योर बॉडी लैंग्वेज मस्ट कोऑपरेटिव विद योर वर्ड्स यानी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा आपको करना पड़ेगा कि बॉडी लैंग्वेज को आपको uh, कोऑपरेटिव बनाना पड़ेगा अपने आप से ही शब्दों को भी उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा यानी आपको हो सकता है कि अनिवार्य रूप से ये सब चीज़ें जरूरी है प्रोफेशनल लाइफ पे घर पे तो मान लीजिए कोई गेस्ट है उसके साथ तो कर सकते हैं लेकिन बाहर अगर हैं और कोई व्यक्ति आ गया है तो उसके साथ जो है जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है तो वहाँ पर तो आपको उसके साथ सहयोग करना ही करना पड़ेगा इमोशनल आउटबस्ट कर रहा है यानी भावनात्मक विस्फोट यानी अचानक से आप भावुक हो जाते हैं कोई सैडनेस है कोई उसके कारण या कोई दुख की बात पता चलती है तो उसके कारण तो वहाँ पे भी वादा उत्पन्न होती है तो बीइंग अ ह्यूमन यू आर इमोशनल नो मैटर यानी हम लोग इंसान हैं इंसान होने के नाते हम लोग इमोशनल तो होते ही हैं इसमें कोई बात नहीं है वेदर यू आर इन ऑफिस एट होम अथवा आप अपने कार्यालय में पे हो अथवा घर पर हों सम टाइम यू आर सो मच ओवर वेम्ब विद द इमोशन दैट यू कॉन्ट से योर फीलिंग्स वेल इन वर्स एंड योर कीयर्स स्टॉप यू टू से समथिंग यानी अचानक से कोई बात हो जाती है ऐसी भावना में आप आ जाते हैं अचानक से कोई दुख का या आ, जो है खुशी की बात आपको पता चलती है तो इसमें दुख की बात में आप जो है आँख से आंसू हो जाते हैं खुशी के भी आंसू निकल आते हैं तो उस दौरान अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह नहीं पाते हैं तो गेटवे क्या है इसको दूर करना है तो टू तो अवॉइड तो दिस बैरियर इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्पीकर मस्ट कंट्रोल इज फीलिंग्स और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के दौरान जो स्पीकर है उसको अपने भावनाओं को संभाल संभालना पड़ेगा और लाइफ इज इम देयर शुड बी नो प्लेस फॉर सच फीलिंग्स और जीवन जो है आपका ऐसा है कि आप इन भावनाओं से परे नहीं रह सकते हैं लेकिन उसमें भी कंट्रोल करना आपको सीखना पड़ेगा पुअर लिसनिंग स्किल्स यानी जो खराब आपकी श्रवण स्थिति है सुनने की जो शक्ति है उसमें कुशलता है उसमें अगर कमी है तो हियरिंग इज अयरिंग इज अ पैसिव एक्सरसाइज वाइल लिसनिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस यानी अगर आप क्रियाशील क्रियाशील एक्सरसाइज मतलब पैसिव एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो उसमें जो सुनने की शक्ति है वो एक्टिव होनी चाहिए न? विच रिक्वायर्स केयरफुल अटेंशन क्योंकि जब आप कोई बात ध्यान से सुनेंगे तो तभी आप उसको ध्यान दे पाएंगे कोई बात समझ पाएंगे एंड एकट डोडिंग ऑफ़ द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द स्पीकर यानी स्पीकर के द्वारा कोई बात तो बताई जा रही है तो उसको भी जो संकेत है उस उन सब चीज़ों को आप समझ पाएंगे डिकोड कर पाएंगे मैसेज को बट सम टाइम वी कैन नॉट पे अटेंशन टू वाट सेंटर सिंग कभी कभी क्या होता है कि हम अगर सुनने की स्थिति की बात कान से ही नहीं है लेकिन आप जो है कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं कोई बात कोई कर रहा है तो कान उनका ठीक है सुन भी सकते हैं ध्यान से लेकिन वो सेंडर की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो वहाँ पे भी अगर बात वो कोई समझाना चाह रहा है तो वो बात भी आप नहीं समझ पाएंगे द रीजन में भी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएसन यानी आप बह रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं तो अलग बात है लेकिन अगर आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं किसी की बात को नहीं सुनना चाह रहे हैं तो अलग अलग स्थितियों में हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं होगा लाइक इमोशनल डिस्टर्बेंसेस यानी आदि कोई भावनात्मक डिस्टर्बेंस है तब भी हो सकता है कि आप किसी की बात नहीं सुन रहे हैं कोई बात तो दिमाग में चल रही है उसी पे आपका ध्यान है एग्रेसिव एग्रेसिवनेस यानी आप आक्रामक हैं गुस्सा हैं उससे नाराज़ हैं तो उसकी बात को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये भी पुअर लिसनिंग स्किल्स के अंतर्गत ही आएगा इसको अगर दूर करना है तो रिसीवर मस्ट है पेशेंस टू लिसन अदर्स और रिसीवर को क्या करना चाहिए सामने वाले को बात को जो है थोड़ा सा धैर्य से सुनना चाहिए अगर आप गुस्सा हैं नाराज़ हैं किसी से या कोई और बात है दिमाग में तब भी आपको धैर्य रखना चाहिए उनकी बात को सुननी चाहिए दिस स्किल कैन बी डेवलप्ड बाय प्रैक्टिस और ये स्किल जो है आप अभ्यास से सीख पाएंगे और इफ़ देअर इज हियर इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू यर्स यदि आपके कान में कोई प्रॉब्लम है देन प्रॉपर एंड बेस्ट क्वालिटी एड्स शुड बी यूजड बाई लिसनर तो आपको जो है लिसनर के लिए आ, बेस्ट क्वालिटी जो हो सकती है उसी का प्रयोग करते हुए स्पीकर को जो है बात करना पड़ेगा यानी कान में के प्रॉब्लम की बात कर रहा है जी कान से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए तो तो लिसनर को जो है अच्छी और उचित जो सहायता हो सकती है उसको लेके अगर कान में प्रॉब्लम है तो मान लीजिए ईयरफोन वगैरह जो अ, मेडिकल जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिसको लगाने से साफ साफ सुनाई देता है तो उन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए तो पुअर लिसनिंग स्किल्स भी एक आपकी बाधा उत्पन्न हो सकती है संचार के दौरान तो ये हमने जो अच्छा है छः इंटरपर्सनल बैरियर्स यानी परस्पर यानी दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो आ, संचार में बाधा अवरोध आता है उसके बारे में हम, हमने बताया और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी जो बैरियर्स हैं उसको देखेंगे और लगभग हमने इसको बताने का प्रयास किया है आपको समझ में आ भी आ गया होगा कोई प्रॉब्लम है कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर नहीं हो सकता है तो अपना नाम ज़रूर लिखें और हम उस पर ध्यान देंगे कितने बच्चे एक्टिव हैं हमारे क्लास के लिए तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें तब तक के लिए चिल्ड्रेन गुड बाय